हम मेरा नाम है राशिद अली, मैं लाल मिलीम कर्मचारी हूँ। आज हमारे साथ में समस्या ये है कि 39 महीने का वेतन नहीं दिया गया। हमसे काम तो ले लिया गया है, वेतन नहीं दिया गया। बहुत से जो रिटायर हो चुके हैं उनका भी वेतन बकाया और प्लस सर्विस भी बकाया है। आज हमारे लाल मिली के अंदर ये जो बड़ी बड़ी लाइट लगी, करोड़ों लाइट लगी हैं, उसका तो उद्घाटन किया जा रहा है, ये गरीब का उद्घाटन कौन करने आ रहा, पेट भरने कौन आ रहा। ये तो हमारे सांसद जी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे मैंने ये कहा है कि इसको आप तत्काल हमारा वेतन दिलवाइए, नहीं वरना हम सड़क पे जान देने तैयार हैं। हमारी तमाम बिटिया बैठी हुई शादी करने कर्मचारी, उनकी कोई सुनवाई नहीं। आज बड़ी बड़ी लाइट के लिए सजावट की जा रही है, ये कहाँ गंदे मतलब राज है। हमारे घर के अंदर लाइट बीच में खुक्कल हो रहा है, ये दिखाया पब्लिक को दिखाना चाहते हैं आप। गरीब मर रहा है, गरीब की कोई बात नहीं, लाली मिली लाइट लगा उसकी बात होगी, उसकी सड़क जाम होगी। अगर गरीब आदमी सड़क जाम करता तनख्वाह लेने के लिए तो दफा 44 लगा दी जाती, ये उसके पर धारा बनती है। तो इसके लिए आप धारा लगाओ, कुछ भी करो, हम मेट्रो के लिए काम नहीं करने जब तक हमको वेतन ना दिया जाएगा। मेट्रो भी नहीं चलने देंगे हम किसी कीमत पर। आश्वासन मिला है कि आपको हम बहुत जल्दी कोशिश करके वेतन दिलवाऊंगा, ये आश्वासन मिला। आश्वासन हमको 2017 से मिल रहा है, 2014 से मिल रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं ना। हम आश्वासन से आप खुश हैं? नहीं खुश नहीं ना, बिल्कुल नहीं खुश है। हमारी रोटी मिल जाए जब मैं खुश, हमारे बच्चों की शादी हो जाए, बूढ़े माँ बाप का इलाज हो जाए जब मैं खुश हूँ। सरकार को भी खुश होना चाहिए, सरकार कहती है मैं खुश हूँ, खुश वो भी नहीं है। क्यों परिवार होंगे, कितने लोग हमारे यहाँ 650 परिवार लोग काम करते हैं। अब उनका परिवार में एक सदस्य में 5-6 लोग रहते हैं, समझिए 5-10 हज़ार आदमी रह रहा। अगर वही 10 हज़ार आदमियों यहाँ पैसा दे दिया था करोड़ों में, कितना रुपया बढ़ जाता, आज हम अपना इलाज कराते। हमारे वेतन बचा है, अभी वेतन 650 आदमी बचा है, 650 आदमी वेतन दे देते तो ये लाइट लगाने जरूरत नहीं। हमारा एक आदमी की 15 हज़ार रुपये सैलरी मिलती, लगभग 6 लाख रुपया बनता है एक आदमी का 39 महीने का लगभग। कुछ नहीं, तो बता दीजिए आज ज्ञापन किन लोगों ने आपको दिया, क्या मांगे हैं? लाल इमली के कर्मचारी आज कई दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं और ये धरना इसलिए है कि इन लोगों को 39 महीने का जो वेतन है 650 कर्मचारियों को वो नहीं मिला है BIC का, और BIC में लाल इमली भी है। इसके साथ साथ जो 2017 से कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनका ग्रेच्युटी और फंड वगैरह भी नहीं मिला है, उसका इन लोगों पे तो कोई हिसाब नहीं है। लेकिन ऑफिस में हिसाब होगा, मैं दिखवाऊंगा, और इसके लिए धरना दे रहे हैं। और मैंने इनको आश्वस्त किया है कि मैं शीघ्र ही दिल्ली जाऊंगा, मंत्री से भी बात करूंगा, प्रधानमंत्री से भी बात करूंगा, और आपका एक एक बकाया है वो दिवाली के पहले दिलवा दूंगा। आज आज यहाँ पर लाइटिंग का भी उद्घाटन किया जाए जबकि इनके घरों की लाइटें बुझ चुकी हैं। देखिए लाइटिंग का ये तो स्मार्ट सिटी योजना में हो रहा है, वो अलग काम हो रहा है, ये अलग काम है, इसलिए उसमें मिक्सअप मत करिए।